इसके अंदर मैंने नमक और मिर्च और पुदीने की चटनी एक चम्मच डाली है तो पुदीने की चटनी बड़ा अच्छा सा टेस्ट देगी इसके अंदर जज्ब हो के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें आप हाथों की मदद से इसके बाद आप इसको तीस मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आप इसके उबाल लें इसको कबाब तैयार कर लें करने के लिए ये दाल करेले तैयार हो रहे हैं ये तकरीबन डन हो चुके हुए हैं मैं इसके ऊपर ग्रीन कॉरी अंडर स्प्रिंकल कर रही हूँ यह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी दाल गली हुई है और करेले भी इसके अंदर मैंने राउंड शेप में काटे थे को अच्छी तरह से मिक्स आप करें आप ये मैंने दाल को बॉईल किया था और करेलों को तला था उसके बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं प्याज़ टमाटर जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सारा कुछ डाल के उसको मैंने फ़्राई किया था और उसके बाद मैंने उसके अंदर फिर दाल को भूना था एक दो मिनट और उसके बाद मैंने इसके अंदर करेले मिक्स कर दिए थे और ये हमारा ज़बरदस्त सालन जो है वो दाल करेले का तैयार है ये मैं गुड़ वाले चावल तैयार कर रही हूँ ये मैंने लिए हैं दो कप ऑयल इसके अंदर वन के जी गुड़ है और वन के जी इसके अंदर चावल इस्तेमाल होंगे अच्छी तरह ऑयल के अंदर आप जो डलियाँ होती हैं इसकी पीसीज़ जो गुड़ के होते हैं उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप इसके बाद आपने इसके अंदर एक कप पानी डालना है और इस गुड़ को घुलने के लिए आपने लो या फिर मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है और चम्मच को मुसलसल आपने हिलाते ही रहना है ताकि नीचे जो देच की होती है वो जलने नहीं पाए नीचे से ये राइस है बॉयल किए हुए इसके अंदर तकरीबन ये वन के जी हैं और इसके अंदर तकरीबन दो कन्या जब रह जाएं तो आप इनको निकाल लें इसका बॉइलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा मैं आपसे माज़र चाहती हूँ रोज़े की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं निकल रही उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा और आपको दिखा रही हूँ दबा के ये सलाद मैंने तैयार करके रख दिया हुआ है इसमें कीरा है टमाटर है कैबिज है ये देखें आप ये जो गुड़ है उसकी जो डलियाँ हैं वो खत्म हो चुकी हुई हैं ख़त्म आप इसके अंदर वन टेबल स्पून सौंफ दो तीन छोटी इलाचियाँ और कुछ बादाम डाल के और भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं उबले हुए चावल आप इसके अंदर डाल दें चावल डालने के बाद आप बड़ी एहतियात से हिलाइएगा ताकि चावल चावलों के दाने जो है वो टूटे नहीं उसके बाद आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें चावलों की दस से पंद्रह मिनट का आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको दम लगाना है सारे चावल डालने के बाद अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और देन पुट ऑन द स्टीम जिसको हम आम लैंग्वेज में दम बोलते हैं एक्चुअली जो दम होता है ये स्टीम होती है अंदर चावलों को जब अंदर उनका सांस बंद करके सांस ही कहेंगे इसको ये जो है ये कबाब चिक, चिकन के तैयार हो गए हैं ये मैंने रख दिए हैं ये गुड़ का चावल चावल गुड़ वाले चावल भी तैयार हो गए हैं और ये टैंक वाला पानी तैयार है इसके अंदर हमने दो कप चीनी डाल के उसको मिक्स किया है और इसके अंदर फिर टैंक आप अपनी मर्ज़ी से डालें डाल लें ज़्यादा डाल लें ये पकोड़े तैयार हो गए हुए हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये समोसे तैयार हो गए हैं छोटे समोसे बहुत अच्छी सी शक्ल आई है इनकी ये मैं तैयार कर रही हूँ आलू मेथी का सालन इसके अंदर मैंने दो प्याज तीन चार जवे लहसुन के तीन चार सब्ज़ मिर्चें काट के डाली थी एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला था मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करके अब इसके अंदर मैंने कटी हुई और धुली हुई मे मेथी डाल दी उसको मेथी को मैंने तीन से चार मिनट फ्राई किया मसाले के अंदर अब मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ अच्छी तरह से आलू और मेथी को मिक्स कर लें उसके बाद ऑन स्टीम मैं सब्जियां कोशिश करती हूँ पानी के बग़ैर बनाऊँ पानी डालने के बगैर तो इसके अंदर भी मैं पानी नहीं ऐड कर रही ये मिक्स करने के बाद मैं बिल्कुल ही लो फ्लेम के ऊपर इसको मैं दम लगा दूँगी स्टीम के अंदर ये आलू और जो मेथी है अपने ही पानी के अंदर गल जाएगी मेथी को के लिए कि ये टिप है कि अगर आप इसको सिर्फ़ ग्रीन चिलीज़ के अंदर बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है जैसे साग के अंदर खाली ग्रीन चिलीज़ डालते हैं इसी तरह आप इसके अंदर रेड मध डालें इसके अंदर सिर्फ ग्रीन चिलीज़ डाल के बनाएँ तो बहुत मज़े की बनेगी अच्छी तरह से मिक्सिंग कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग न्यू हैं चैनल पे आप लोगों की सपोर्ट से ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है आपके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं ये मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करा रही हूँ कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है मेथी का ये मैं आटा गूंद रही हूँ आटा गूंदने के बाद मैं इसकी रोटियाँ बनाऊँगी और तकरीबन मेरी जो तारी की प्रेपरेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी आप डो को आटे की डो को जितना ज़्यादा गूंदेंगे आपकी रोटी इतनी ही खूबसूरत बनेगी। थोड़ा अगर आप टाइम लगा लें और आटा गूंदने की ये टिप है कि आप इसको इस, इस तरह से अच्छी तरह में पानी में मिक्स करने के बाद आप दस मिनट के लिए आटे को छोड़ दें उसके बाद आप उसको गूंदना शुरू करें फिर अगैन पा, पाँच से दस मिनट तो आप बिलीव करें उसको गूंदना भी आसान हो जाता है और उसकी रोटी बाद में बहुत अच्छी बनती है और अगर ए, एक चम्मच ऑयल आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दें तो उससे भी रोटी अच्छी बनती है आटा गूंदते हुए एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें इसके अंदर Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.